रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस आए कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं कि कैसे मैंने पढ़ाई की और क्या क्या मेरे रिसोर्सेज रहे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाह रही हूं, और यदि इसके द्वारा आप में से किसी एक को भी थोड़ा बहुत भी कुछ फ़ायदा होता है तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम मेंस पे बात करते हैं, जो मेंस के लिए मेरे रिसोर्सेज रहे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के क्वेश्चन रिसोर्सेज के बारे में ही होते हैं। सबसे पहले एसए का पेपर आता है। एसए के पेपर में हम जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो एसए चूज़ करने का होता है। तो मैं यही कहूँगी कि जिस एसए को लेके आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और जो आपको अच्छे से समझ में आया है, आप उसी एसए को चूज़ करें। और एसए के लिए जो मेरे रिसोर्सेज रहे वो निबंध दृष्टि नाम से एक बुक आती है, जो दृष्टि आईएएस की है, आप वो देख सकते हैं। और एक बुक निशांत जैन सर की है, जिसमें उन्होंने टॉपर्स के कुछ एसए मतलब इंक्लूड किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं एक बार मतलब आइडिया लेने के लिए। अदरवाइज़ एसए में आपको अपने ही थॉट्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। और एसए के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आप एक अलग से नोटबुक बना सकते हैं, जिसमें हम अपने कोट्स रख सकते हैं या कोई फेमस स्टोरी रख सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जो हम एसए में यूज़ कर सकते हैं। और एसए में आप जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कीजिएगा। कोशिश करिए कि ब्लैक पेन यूज़ हो जाए जहाँ हम कोट्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई इम्पोर्टेंट बात, कोई डाटा, कोई फैक्ट या कोई रिपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एसए के बारे में यही सब कुछ। उसके बाद GS 1, GS के पहले पेपर में देखिए, उसका थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है। उसमें हमें हिस्ट्री भी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, सोसाइटी भी पढ़नी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए NCERT तो आपको पढ़नी ही है, 6 से लेकर 12 तक। आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ओल्ड NCERT पढ़ी थी। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले ओल्ड NCERT 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मतलब स्पेक्ट्रम ऐसी है जो प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगी और मेंस में भी आपको हेल्प करेगी, तो स्पेक्ट्रम मस्ट है। उसके बाद आप बिपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, मतलब मैंने जो बिपिन चंद्र की बुक थी स्वतंत्रता संग्राम, ये वाली पढ़ी थी। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, उससे मतलब वो मोर देन इनफ है आपके लिए। और उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो NCERT है, स्पेशली जो 11th क्लास की NCERT है, वहाँ से लगभग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आप NCERT पढ़िए 6 से लेकर 12 तक। उसके बाद एक GC लियोंग की बुक आती है, वो वैसे अभी तक शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन आप मतलब उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, मतलब मैंने वो पढ़ ली थी कि मतलब उसमें से जो मतलब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसमें समझाए गए हैं, तो वो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो GC लियोंग एक बार पढ़ लीजिएगा। और माजिद हुसैन जो सर की जो बुक है वो बहुत लेंदी है थोड़ी सी, तो उसमें से जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, मतलब जो मिनरल्स के बारे में हैं, या मतलब उसमें से सेलेक्टेड पढ़ना है बस माजिद हुसैन में से। और ज्योग्राफी के लिए बस इतना ही। और सोसाइटी के लिए, आप सोसाइटी के लिए ज़्यादा कुछ मैं कोई बुक प्रीफर नहीं करूँगी, मतलब मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी सोसाइटी के लिए स्पेशली। वो आपका न्यूज़पेपर से हो जाएगा, और जैसे मेंस के टाइम जो विजन आईएएस का मेंस 365 आता है, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, वहाँ से कवर हो जाएगा। तो पहले पेपर के लिए इतना। और GS 2 में बेसिकली पॉलिटी आती है, तो पॉलिटी के लिए वही आप 6 से 12 तक की NCERT पढ़ेंगे। और उसके बाद लक्ष्मीकांत, मतलब लक्ष्मीकांत आपको एकदम मतलब अच्छे से पढ़ लेनी है। मैंने लक्ष्मीकांत का पता नहीं कितनी बार रिविज़न किया था, तो लक्ष्मीकांत आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एक गवर्नेंस पे भी उनकी बुक आती है, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मतलब मैंने ली थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, तो आप देख लीजिएगा। और बस पॉलिटी के लिए इतना ही। NCERT आप अच्छे से पढ़िएगा, मतलब उसकी भी जो 11th 12th की NCERT है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा, उसके बाद मेंस 365 पढ़ना है आपको पॉलिटी का, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी मैंने, बस मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा था, जो डेली IR का जो भी पेज आता है वो,
और उसके बाद जो मेंस 365 आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद एक दृष्टि आईएएस की साइट है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, मतलब वो डेली जो एनालिसिस करवाते हैं, मतलब करंट अफेयर्स का, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद जीएस थ्री में बेसिकली इकोनॉमिक्स आता है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो देखिए, मैंने लगभग एक साल ही प्रिपरेशन की थी, 1 से 1.5 साल में आपके पास इतना कम टाइम होता है कि सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत सिलेक्टेड पढ़ा है, मतलब मैंने जैसे GS3 में मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैंने ली थी, लेकिन इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई उसको, क्योंकि वो बहुत लेंदी बुक है। तो आप संजीव वर्मा प्रीफर कर सकते हैं, मतलब संजीव वर्मा अच्छी है, वो थोड़ी छोटी भी है और मतलब ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है। तो संजीव वर्मा पढ़ लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए। और मृणाल सर के जो लेक्चर्स हैं, मतलब मैंने सारे नहीं लिए मृणाल सर के लेक्चर्स, मतलब कुछ कुछ जैसे बजट वाले हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे वाले हैं, वो सारे लेक्चर्स मैंने ले लिए थे इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के लिए बस इतना ही। साइंस एंड टेक के लिए मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, मतलब जो भी करंट में जो रहा था वो गूगल से देख के, और मतलब न्यूज़पेपर से ही मैंने अपना साइंस एंड टेक के नोट्स बनाए थे कुछ। और उसके बाद वो मेंस 365 आया साइंस एंड टेक का, तो वो मैंने पढ़ा था। और इन्वायरमेंट के लिए देखिए, मैंने शंकर IAS पढ़ी थी, वो शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा था, मतलब वो इजी लैंग्वेज है, आप समझ जाएंगे। तो शंकर IAS पढ़िएगा, मतलब वो प्रिलिम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और मेंस में भी हेल्पफुल रहेगी। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS। उसके बाद इकोलॉजी के लिए, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए कुछ और ऐड करना चाहें अगर आप, तो अनअकैडमी पे मधुकर कोटवे सर की क्लासेज आती है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मतलब मैंने यूट्यूब से ही ली थी। तो मधुकर कोटवे सर से मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा था, तो आप देख लीजिए, उनका अच्छा लगा मतलब मुझे। उसके बाद GS4 इथिक्स का पेपर, बेसिकली हमारी जो मतलब उसमें बहुत स्कोप होता है कि हम अपने थॉट्स उसमें रिप्रेजेंट कर सकें। तो इथिक्स के लिए मैंने स्टार्टिंग की थी लेक्सिकॉन से। आप सबसे पहले लेक्सिकॉन पढ़िए, मतलब लेक्सिकॉन में उन्होंने सिलेबस के हिसाब से मतलब बता रखा है सारी चीज़ें, तो उससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मतलब इथिक्स क्या है और सिलेबस में हमारे क्या क्या हैं। और तो लेक्सिकॉन मैंने पढ़ी थी, उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाई थी इथिक्स की, मतलब मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी और आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब केस स्टडीज़ आती हैं और उनके मॉडल आंसर्स आप देखेंगे। तो इथिक्स के लिए टेस्ट सीरीज़ मतलब आप ज़रूर लगाइएगा कोई अच्छी सी। और इथिक्स के लिए थोड़ा सा जो मैं बताना चाहूँगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका सिलेबस, GS4 का जो सिलेबस है उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे सिविल सेवक के क्या क्या गुण होते हैं, जैसे ओनेस्टी है और परसिवरेंस है, ये सब। तो आप वो कीवर्ड्स हैं जो वो अपने मतलब आंसर में यूज़ करें। और इथिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, तो वहाँ आप अपनी स्पीड का ख्याल रखें और मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। और इथिक्स का हो गया, तो ये मेरी मेंस की स्ट्रेटेजी रही बेसिकली। और प्रिलिम्स के लिए जो मैं कहना चाहूँगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवीजन। आप प्रिलिम्स में लगभग 3 महीने पहले से मतलब सिर्फ प्रिलिम्स पे फोकस हो जाइए। प्रिलिम्स के लिए आपको कम से कम 3 महीने तो देने ही चाहिए, मतलब केवल प्रिलिम्स के लिए। तो प्रिलिम्स से पहले 3 महीने पहले आपसे केवल प्रिलिम्स की पढ़ाई करेंगे। और प्रिलिम्स के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो रिवीजन है, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उस पे मतलब आपकी एकदम पकड़ होनी चाहिए कि UPSC कहीं से भी कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप उसको अटेम्प्ट कर लें। और प्रिलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए, मतलब मैंने शायद 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, मतलब 5-6 तो ऐसे आएंगे ही जो बिल्कुल ही हमें नहीं आते होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट हो पाएँ। और CSET के लिए देखिए, मेरा बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड था, तो मैंने CSET के लिए कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की, तो उस बारे में मैं शायद आपको उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी कि CSET के लिए कैसे तैयारी करनी है। वो आपको अपनी मतलब अपनी कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप कहाँ स्ट्रोंग हैं और कहाँ आपको और इम्प्रूवमेंट करना है।
तो बेसिकली ये मेरी मेंस और प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी रही। मतलब मैंने बहुत सेलेक्टिव पढ़ा, मतलब मेरे रिसोर्सेस एकदम लिमिटेड रहे और जितने रहे मैंने उनको बहुत बार रिवाइज़ किया। तो अगर मतलब मेरी प्रिपरेशन बेसिकली एक साल की रही, 1.5 साल की, तो उसमें जितना मेरे से कवर हो पाया मैंने उतना कवर किया, लेकिन रिवीजन मैंने बहुत ज़्यादा किया, मतलब बार बार रिवीजन। और उसके बाद अब हम ऑप्शनल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑप्शनल मेरा हिंदी लिटरेचर था, और हिंदी लिटरेचर में देखिए दो पेपर होते हैं। पहला वाला पेपर होता है वो भाषाखंड का होता है, और दूसरा वाला पेपर होता है वो जो उसमें सिलेबस दिया गया है। तो पहले पेपर के लिए मैं यही कहूँगी कि आप जो विकास सर के नोट्स हैं, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनको एकदम मतलब अपने टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि जो पहला पेपर है वो बेसिकली थोड़ा सा फैक्चुअल होता है। मतलब जैसे व्याकरण के बारे में पूछेगा, वो आपसे कारक व्यवस्था है, संज्ञा व्यवस्था है, या फिर वो आपसे बोलियों के बारे में पूछेगा, जैसे अपभ्रंश है ये सब। तो उसमें आपको नोट से ही अटेम्प्ट करना है वो कुछ, उसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं है, या आप कहीं से न्यूज़पेपर से कुछ नहीं लेंगे, वो बेसिकली सर के नोट्स से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो पहले पेपर के लिए सर के नोट्स ही, बस बस मैंने सर के नोट्स पढ़े थे पहले पेपर के लिए, और दूसरे पेपर के लिए भी मैंने बस सर के नोट्स पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा उनमें चेंज किया था। जैसे जो एग्जाम्पल्स नोट्स में थे मैंने वो थोड़े चेंज कर दिए थे, मतलब ताकि दूसरों से अलग लगे थोड़ा सा। तो जो हमारी बुक्स हैं, जैसे गोदान है, दिव्या है, स्कंदगुप्त है, आप उनमें से थोड़े से अलग एग्जाम्पल ले लीजिए, मतलब ताकि एग्जामिनर को थोड़ी हमारी कॉपी अलग लगे। तो और मैं ऑप्शनल के लिए बोलूँगी कि आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसमें अशुद्धियाँ ना हो, वर्तनी की कोई गलती ना हो, और आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो, मतलब ठीक हो कि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए। तो ऑप्शनल के लिए यही रहा। बस मैंने ऑप्शनल के लिए कोई नोट्स नहीं बनाए, मतलब मेरे पर्सनली मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए। जब मैंने रिवीजन किया तो सर के नोट्स से ही रिवीजन किया। और ऑप्शनल के लिए बस यही, आप टेस्ट सीरीज, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो टेस्ट सीरीज़ है। मतलब जो ऑप्शनल के हमारे 16 टेस्ट दृष्टि IAS उपलब्ध करवाती है, आप वो सारे लिखिए। देखिए मैंने तो सारे तो नहीं लिखे, लेकिन मैंने सारे देख लिए थे, मतलब कि उनके मॉडल आंसर्स और मैं क्या लिखती, मतलब फ्रेमिंग कर ली थी मैंने। और आप कोशिश कीजिएगा कि सारे लिखें, ताकि वहाँ जाके आपको कोई भी परेशानी ना हो इस संबंध में। तो मेंस के लिए आप टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ लगाई थी वो दृष्टि IAS से ली थी, और विज़न IAS का अभ्यास लिया था मैंने, तो मुझे ये ठीक लगी। और ऑनलाइन रिसोर्सेज में प्रीलिम्स के लिए एक बायजू IAS की क्विज़ आती है, वो मैं ज़रूर प्रीफर करूँगी। मतलब वो डेली 5 से 6 क्वेश्चंस करवाते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड होता है और कुछ बेसिक भी इंक्लूड होता है। तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैंने जो बायजू IAS की क्विज़ थी उससे अपने नोट्स भी बनाए थे, ताकि मतलब मैं प्रीलिम्स के टाइम अच्छे से रिवीजन कर सकूं। तो यही मेरी मेंस की स्ट्रेटजी रही, मेंस और प्रीलिम्स की। तो ज़्यादातर बच्चों का ये सवाल भी होता है कि आप कितने घंटे पढ़ती थी। तो देखिए पढ़ाई घंटों के हिसाब से तो नहीं होती है, लेकिन अगर हम मतलब कैलकुलेट करें तो डेली आप 8 से 9 घंटे अगर पढ़ाई करेंगे तो मतलब मुझे लगता है कि वो इनफ है। मतलब किसी किसी दिन हो सकता है कि आप 10 घंटे भी पढ़ लें, 11 घंटे भी पढ़ लें, और हो सकता है किसी दिन आप 8 घंटे भी पढ़ें। तो मतलब एवरेज आप 9 घंटे लेके चलें कि डेली आपको 9 घंटे पढ़ाई करनी है, तो मुझे लगता है वो मोर देन इनफ है। लेकिन आप रेगुलरली करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन कर ली उसके बाद नहीं करेंगे, मतलब रेगुलरली हमें 9 घंटे पढ़ना है। तो मुझे लगता है 1 साल 1.5 साल में UPSC का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हमारा सिलेक्शन ना हो। देखिए बीच बीच में ऐसे मतलब ऐसा टाइम आएगा कि हमें लगेगा कि नहीं हो रहा है या हम पीछे रह गए हैं, तो आप सब ऐसा मतलब फील ना करें। देखिए ये हर हर मतलब जो भी टॉपर है, जो भी एस्पायरेंट है, हर किसी को फील होता है ऐसा कि शायद मुझसे नहीं हो रहा है, या और सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आप ऐसा फील ना करें,
क्योंकि ये सबके साथ होता है, बस आप अपने आप को हर पल मोटिवेट रखें और लगातार अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, और एकदम मशीन बनके भी नहीं पढ़ना है, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं।